हेलो स्टूडेंट्स, बघेल फिजिक्स क्लासेस में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। तो क्लास 11th की फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसकी यूनिट क्या होती हैं, इन सब की बात करेंगे, जो काफ़ी हद तक आपने 9th-10th में भी पढ़ा है। लेकिन सबसे पहले, अब चूंकि हम लोग पढ़ाई आज से स्टार्ट कर रहे हैं 11th की, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है। अब वैसे तो बच्चों फिजिक्स की डेफिनीशन, अगर हमें डेफिनीशन याद करनी है तो आप कह सकते हो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी भौतिक विज्ञान जो है ये विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रकृति के, ठीक है, नेचर के बेसिक लॉस का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग डेफिनेशन छोड़ देते हैं, ठीक, और सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग फिजिक्स में करते क्या हैं, ठीक। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर में क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक, और आपकी मम्मी भी साथ में बैठी रहती है, ठीक, वो भी देखती, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये मैच देख रहा है, क्या कर रहा है, ठीक, आखिर इसमें है क्या। तो एक दो बार वो आपसे उसमें कुछ पूछती है कि इसमें ये कैसे हो गया या वो कैसे हो गया, तो आप कहते हैं अरे छोड़िए, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, आप अपना काम करिए, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आपकी मम्मी का एक दिन मूड ख़राब हो गया कि अरे ऐसा क्या है, हम नहीं समझ सकते। तो वो चुपचाप बैठ करके क्रिकेट का मैच देखने लगती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन वो चुपचाप बैठ करके मैच देखने लगती हैं, ठीक। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बॉल जो है, जब वो तीन स्टंप जो गड़े होते हैं उस पर जाके लग जाती है, तो जो बैटिंग कर रहा था वो चला जाता है, वापस चला आता है, ठीक। तो उन्होंने आपसे पूछा ये वापस क्यों जा रहा है, तो आपने कहा ये आउट हो गया। तो उनको समझ में आ गया कि जब बैट्समैन वापस जाता है तो इसका मतलब ये आउट हो गया, और आउट कब होता है। उन्होंने एक लॉ बनाया, जानती वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रही है, और उन्होंने एक लॉ बनाया कि जब गेंद जो है ये इन स्टंप पे लगती है तो बैट्समैन जो है वो आउट हो जाता है, उसका खेल ख़त्म हो जाता है, अब कोई नया प्लेयर जो है वो खेलने के लिए आएगा। तो उन्हें ये पता लग गया कि कोई बैट्समैन तब आउट होता है जब गेंद स्टंप पे लगती है, तो ये उन्होंने एक लॉ जो है यहाँ से समझा सिर्फ देख करके। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि गेंद बैट से मारी गई और किसी प्लेयर ने उसको कैच कर लिया और बैट्समैन फिर वापस लौट गया। अब वो परेशान हो गई कि ये क्यों वापस जा रहा है, गेंद तो स्टंप पे लगी नहीं। लेकिन दो तीन बार जब उन्होंने इसी प्रोसेस को देखा तो वो समझ गए कि अगर कोई बैट्समैन गेंद को हिट करता है और गेंद जमीन से नहीं टकराती और सीधे प्लेयर के हाथ में चली जाती है तो वो बैट्समैन वो भी आउट हो जाता है। तो उन्हें समझ में आ गया कि बैट्समैन दो तरीके से आउट हो सकता है, या तो गेंद स्टंप पे लगे, या गेंद अगर बैट से टकराई और हवा में रहती है तो सीधे कैच कर ले। तो उनका ये लाभ बन गया कि बैट्समैन दो तरीके से इस गेम में आउट होता है। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि गेंद अगर पैर से टकराई तो भी बैट्समैन वापस चला जा रहा है। तो उन्होंने निकाला एक नया ला कि अगर गेंद पैर से टकराती है, बैट से नहीं लगती, पैर से लगती, तब भी वो बैट्समैन आउट हो जाता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे बिना आपके बताए सिर्फ ऑब्जर्व करते करते उन्होंने ये रूल निकाल लिया कि कोई बैट्समैन तब आउट होता है जब गेंद सीधे स्टंप पे लग जाए, या बैट में लगे और ज़मीन से टकराए बगैर किसी हाथ के प्लेयर में चली जाए, या पैर में लग जाए। तो इस तरह से उन्होंने बिना किसी के बताए सिर्फ ऑब्जर्व करके आउट होने के जो रूल्स हैं वो उन्होंने समझ लिए कि इस गेम में कोई प्लेयर कैसे आउट होता है, उसके लाज उन्होंने अपने आप बना लिए। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि गेंद पैर से ही लगी, ठीक, लेकिन इस बार वो प्लेयर वापस नहीं गया। अब उन्हें अपने लाज में कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है कि पैर से लगती थी तो हमने देखा दो तीन बार बैट्समैन चला गया वापस, आउट हो गया, आज ये वापस नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ और भी क्लॉजेस होंगी। कुछ दिन देखते देखते उन्हें समझ में आया कि जब पैर पे गेंद लगे और पैर स्टंप के सामने हो सिर्फ तभी वो आउट होता है। तो उन्होंने अपने लॉज जो बनाए थे उसमें ये मॉडिफिकेशन, ये करेक्शन कर लिया। उसके बाद फिर एक दिन उन्होंने देखा कि गेंद पैर गेंद के स्टंप के सामने भी है, गेंद उसमें लग रही है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं जा रहा है। तो दो तीन बार उन्होंने देखने में समझ में आया कि ये गेंद जो है पैर पे लगी, उस समय गेंद बिल्कुल स्टंप में लगने वाली थी लेकिन गेंद लगी स्टंप के बाहर पीछे हुई, ठीक।
और उन्हें समझ में आ गया कि अगर गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती है तो भले गेंद स्टंप पे लग रही हो, पैर पे लगे, ठीक है, लेकिन तब भी वो आउट नहीं होगा। इस तरह से दो तीन बार अपने लाज में करेक्शन करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा, लेकिन फाइनली वो आउट होने के सारे रूल जान जाती हैं। इसी तरह से धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते महीने डेढ़ महीने में वो सारे रूल जो है वो जान जाती हैं, ठीक। और अब अगर बगल में किसी दिन आपकी मान ली सिस्टर बैठकर मैच देखे, उसको भी कुछ नहीं पता, ठीक, तो जैसे ही वो आउट होगा, ठीक है, तो वो चूँकि मम्मी ने आपके नया नया गेम समझाया है, तो जैसे ही वो आपकी सिस्टर कहेगी ये क्या हो गया, ठीक है, वो तुरंत बताएंगे अरे ये आउट हो गया, ये पैर में गेंद लगी तो आउट हो गया, इसे LBW कहते हैं। कुल मिला के उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व कर करके लाज बनाए, और वो गेम जो है क्रिकेट का गेम ये किन सर्टेन लाज के अंतर्गत हो रहा है ये उन्होंने ऑब्जर्व कर कर करके जाना, और वो किसी को भी इस गेम को समझा सकती है। जैसे वो आपकी सिस्टर को जो काम उन्होंने 2 महीने में किया था, अगर वो सिस्टर आपकी 2 दिन उनके साथ मैच देखे तो सारे लाज को 2 दिन में ही समझा देंगी। तो सोचिए जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है वैसे ही नेचर में बहुत सारे खेल हो रहे हैं, यानी नेचर में बहुत तरह के फिनोमेनाज हो रहे हैं, ठीक, और वो सारे फिनोमेनाज कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ सर्टेन लॉज के अंतर्गत हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इन फिनोमेनाज को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करते करते ठीक है कुछ लॉज बनाए कि आखिर ये फिनोमेना अगर हो रहा है तो ये किस लॉ के अंतर्गत हो रहा है। कई बार उन्हें अपने लॉ में करेक्शन भी करना पड़ा, जैसे आपकी मम्मी को करना पड़ा कि भाई गेंद पैर पे लगती है तो आउट होता है, पहले उन्होंने सोचा, बाद में पता लगा नहीं गेंद पैर पे लगे और वो गेंद स्टंप पे भी जाके लग रही हो तब आउट होता है, फिर बाद में उन्हें पता लगा नहीं अगर लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है तो आउट नहीं होगा, लेकिन फाइनली वो सही लॉ तक पहुंच गई। तो ऐसे ही कई लोग थे, ठीक है, जिन्होंने नेचर में होने वाले फिनोमेना किस लॉज के अंतर्गत हो रहे हैं इसको समझा सिर्फ ऑब्जर्व कर कर, फिर अपने लॉज बनाए। कई बार साइंटिस्टों, कई बार इन लोगों को अपने लॉज में करेक्शन भी करने पड़े, लेकिन करेक्शन करते करते मॉडिफिकेशन करते करते फाइनली ये बहुत सारे फिनोमेना जो इस यूनिवर्स में हो रहे हैं वो किस लॉज को फॉलो कर रहे हैं, किस लॉ के अंतर्गत हो रहे हैं वो समझ गए। इन लोगों को हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं। अब ये साइंटिस्ट अपने इन लॉज को हम लोगों को आसानी से समझा सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने बुक्स लिख दी, हम लोग जो इन्होंने कई सालों में समझा हम लोग बुक पढ़ के 1 साल में ही सब लॉज जो है वो जान जाते हैं, ठीक। तो नेचर में होने वाले इन फिनोमेनास को कि भाई अगर अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही तो कैसे चक्कर लगा रही है, अगर जब सन राइज होता है तो वो हमें ऑरेंज कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक, ये रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ऐसे बहुत सारे क्लास, ठीक है, अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसके अंदर हमारी इमेज कैसे दिखाई देती है। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना को हम लोग अब आराम से पढ़ के समझ पाते हैं, क्योंकि इसके बारे में साइंटिस्ट अपने लॉज दे गए हैं, और उन्होंने कैसे निकाले, उन्होंने नेचर में होने वाले इन फिनोमेना को केवल ऑब्जर्व कर करके ये किया। तो जैसे क्रिकेट के गेम को भी आप ऑब्जर्व कर करके आपकी मम्मी जो है वो गेम किन सर्टेन लॉज से गवर्न हो रहा है वो सीख गई, वैसे ही साइंटिस्टों ने नेचर में होने वाले, और अभी नेचर में होने वाले सारे फिनोमेना को अभी भी नहीं समझा जा सका है, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो अभी नहीं समझे गए हैं, ठीक, उनके लिए भी धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ रूल्स आएंगे, ठीक। तो वास्तव में यही फिजिक्स है, ठीक, कि नेचर में होने वाले फिनोमेना को ऑब्जर्व करके वो फिनोमेना किस सर्टेन रूल्स के अंतर्गत हो रहे हैं उसके लिए लॉज निकालना, ठीक, यही फिजिक्स है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से सिंपल समझाया कि फिजिक्स क्या होती है। तो समझ में आ गई होगी आपको बात, क्रिकेट वैसे ही आपको अच्छा लगता है, ठीक। अब जब साइंटिस्ट नेचर में होने वाले फिनोमेना को ऑब्जर्व करके कुछ लॉज निकालते हैं तो उन लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स को नाम देने की जरूरत थी। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक गए तो इसको क्या कहें, तो इसको डिस्टेंस कहा गया, डिस्टेंस नाम दिया गया। सुबह से शाम तक हो गई, ठीक है, ये क्या था, तो लोग कहते सुबह से शाम हो गई यानी इतना टाइम, तो इसको टाइम नाम दिया गया। तो फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े, इन टर्म्स को हम लोग कहते हैं क्वांटिटीज यानी राशियां, कुछ नाम देने पड़े हमें, ठीक, कि ये लेंथ लंबाई कहलाएगी, ये द्रव्यमान होगा, मास, ये टाइम होगा, इसे हम टेम्परेचर कहेंगे, ठीक। और वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, पर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और जिनसे हम फिजिक्स के लॉज को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो कहते हैं कि
फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जिनके टर्म में हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करें और जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? ठीक, जैसे लेंथ हो गई, लेंथ आप डायरेक्ट स्केल से मेजर कर सकते हैं, मास हो गया, टाइम हो गया, आप सीधे देख लेते हैं। अब डेंसिटी अगर मान लीजिए मेजर करनी है तो पहले हमें बॉडी का मास मेजर करना पड़ता है, फिर उसका वॉल्यूम, फिर मास में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आ जाती है। तो डेंसिटी डायरेक्ट मेजर नहीं हो रही, इनडायरेक्ट मेजर हो रही है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनके टर्म में हम फिजिक्स के लॉज को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हें हम लोग दो भागों में बांटते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज इसे कुछ लोग कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज इसे हिंदी में कहते हैं मूल राशियां, जो भौतिक राशियां होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया, मूल राशियां, और डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, हिंदी में मैं अगर यहां लिख दूं तो इसे हम लोग बोलते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियां, ठीक है, क्या होती है, मैंने बताया आपको कि वो क्वांटिटीज, पहले तो क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज हमने बताया कि फिजिक्स के लॉ को, मतलब लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ टर्म्स लेने पड़े, हमें कुछ नाम देने पड़े, ठीक, और उनको हम लोग कहते हैं क्वांटिटीज। और वो सारी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं और जिनके टर्म में हम फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉज को, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसको समझने से पहले जरा ये समझते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए इस बोर्ड की लेंथ हमें मेजर करनी है, तो याद रखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें उसी क्वांटिटी की काइंड का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं वैल्यू हमें सेट करनी पड़ती है, और फिर हम देखेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी में वो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस है वो कितनी बार शामिल है। जैसे कि इस बोर्ड की लेंथ हमें मेजर करनी है, तो इस बोर्ड की लेंथ हम कैसे मेजर करें, इसके लिए हमें पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो लेनी पड़ेगी। अब वो स्टैंडर्ड वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये एक रूल है, ठीक, ये रूल मेरी कोचिंग में चलता है, ठीक, इसने बहुतों का स्टैंडर्ड जो है वो नीचे कर दिया, ठीक, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको बिलो स्टैंडर्ड लाने के लिए जो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इसका यूज़ होता है। आज चलिए समझते हैं इससे, ठीक है, मान लीजिए ये है रूल है, अब हम इसको अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मान लें, ठीक, और हमें इस बोर्ड की लेंथ अगर मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके एक से एंड पे लगाएंगे ऐसे एक बार, फिर इसको ऐसे ले गए दो, फिर और आगे ले जाएंगे। मान लीजिए ऐसे हम रूल को यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले गए और हमने पाया कि इस बोर्ड की टोटल लेंथ में ये पांच बार आया, तो हम कह सकते हैं इस बोर्ड की जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो फाइव रॉड है। नहीं भाई, इस रॉड को हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया कि हम इसी का रेफरेंस लेंगे, इसी के रेफरेंस से इस बोर्ड की लेंथ मेजर करेंगे। अब इस बोर्ड की लेंथ में ये रॉड जब हमने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले गए तो पांच बार आई, तो हम कहेंगे इस बोर्ड की लेंथ जो है वो फाइव रॉड है। जनरली आप देखते हैं हम लोग अभी भी ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, बालिस्त बोलते हैं, है ना, तो कुछ लोग कभी कभी लंबाई कुछ नहीं आप मेजर करने को तो ऐसे मेजर कर लेते हैं, कहें ये पांच बालिस्त है, तो उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू एक इसको रख लिया, बालिस्त को रख दिया, ठीक। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमें लेनी पड़ती है, जैसे हमने यहाँ रॉड ले ली, हमने बताया इस बोर्ड की जो लेंथ है वो फाइव रॉड है, तो इस बोर्ड की लेंथ जो है वो फाइव रॉड है, तो इसमें ये जो रॉड है, ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट, ठीक है, और किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में वो यूनिट कितनी बार शामिल है, तो हमने इस बोर्ड की लेंथ में ये रॉड पांच बार शामिल थी, तो हमने कहा ये फाइव जो है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है,
और रॉड यहां पर क्या है, यूनिट है। ठीक, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के मेजरमेंट में, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लेते हैं, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो वैरी ना करे, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, ठीक, और इजिली जो है एसेसिबल हो। ठीक, तो ऐसा नहीं कि हम किसी को भी स्टैंडर्ड, वैसे तो हम अपने आपस के लिए तो किसी को भी स्टैंडर्ड मान सकते हैं, ठीक, लेकिन अगर मान लो कि हम इसी बोर्ड की लेंथ, इससे जिसे हम बालिस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसे मेजर करें और हमने बोला कि भैया ये 10 बालिस्ट है, लेकिन किसी दूसरे बंदे ने नापा, उसका हाथ थोड़ा छोटा है, उसके में ये निकल आएगा 12 बालिस्ट है, तो वो कहेगा लो आप तो कह रहे थे 10 जो है वो 10 बालिस्ट है और ये तो 12 बालिस्ट हो गया। तो ये बालिस्ट जो है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं बन सकता। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाने के लिए एक ऑफिस है इंटरनेशनल, ठीक है, मेजरमेंट और यूनिट एंड मेजरमेंट का ब्यूरो, ठीक, उसमें अलग अलग क्वांटिटीज के मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है वो बनाए गए हैं, ठीक, और जिनको हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक। लेकिन मैंने एक आपको मेथड सिखाया कि कैसे हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं, ठीक, तो उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, ठीक। अब किसी एक क्वांटिटी के मेजरमेंट में बहुत सारी यूनिट जो है होती हैं, जैसे आप जानते हैं लेंथ, आपने जूनियर क्लासों में तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा है ना, लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक। तो अगर मान लीजिए इस बोर्ड की लेंथ, मान लीजिए हमने मीटर में मीजर किया और हमने बताया इस बोर्ड की लेंथ 2 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। एक दूसरे बच्चे ने इसको सेंटीमीटर की तरफ से मीजर किया, उसने बताया कि इसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है। एक ने बताया 2 मीटर, एक ने बताया 200 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों हैं तो उसी बोर्ड की लेंथ, यानी दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ये आपस में बराबर तो होंगी। अरे सर जी, ये तुम लोग जानते हैं कि 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, जानते हैं, लेकिन अभी हम मान लेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं कि दोनों उसी बोर्ड की लेंथ है, तो आपस में क्या होंगी, बराबर तो होंगी होंगी। देखिए ये भी उसी बोर्ड की लेंथ, ये भी। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम में मेजर करते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अगर आप यूनिट सिस्टम चेंज कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। और अगर हम यूनिट को जो है बड़ा करेंगे, यानी बड़ी यूनिट में मेजर करेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेजर होता है एन इंटू यू से, तो अगर यू बड़ा हो रहा है तो एन को घट जाना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही रहेगा। अब यूनिट भी तुमने बड़ी की, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, तो उसकी तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का इस बोर्ड की लेंथ जितनी है वो तो उतनी रहेगी। जब मीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर में मेजर किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आ रही है। अब तुमने यूनिट छोटी कर दी, यूनिट छोटी कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा हो जाना है, क्योंकि एन और यू का प्रोडक्ट तो उसी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो जैसे ही हमने छोटी यूनिट का यूज किया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 की जगह 200 हो गई। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो जैसे हम यूनिट बड़ी करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, यूनिट छोटी करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इससे एक फार्मूला भी बनता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मान लीजिए हमने पहले किसी यूनिट सिस्टम में मेजर किया जिसमें उसकी यूनिट U1 थी, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 थी, फिर यूनिट सिस्टम बदल के हमने U2 कर दिया और अब इसकी नई न्यूमेरिकल वैल्यू N2 आ गई। चूंकि दोनों उसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है तो आपस में बराबर होंगे, यानी N1 U1 इक्वल टू N2 U2 एक फार्मूला है जिससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे, तो इसको याद रखें, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यूनिट सिस्टम चेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट सिस्टम का जो प्रोडक्ट है ये उतना ही रहेगा, क्योंकि ये उसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? अब आप ये सोचिए, ठीक है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, इस पर हम लोग अब बात करते हैं। ठीक, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, ठीक, या अगर हम जो है, चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं कि फिजिक्स में
बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ढेर सारी क्वांटिटीज हैं। अगर हम हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें इतनी सारी क्वांटिटीज की यूनिट याद करने में समस्या हो जाएगी। इतनी यूनिट क्वांटिटीज और सबकी यूनिट अलग अलग याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि कुछ क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी मान लिया, कुछ क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी मान लिया, अरे फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, और बाकी सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम इन्हीं बेस क्वांटिटी की यूनिट्स में क्या करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। ठीक है, तो जिन क्वांटिटी को हम लोगों ने बेस क्वांटिटी माना, फंडामेंटल क्वांटिटी माना, ठीक, उनकी तो हम लोगों ने यूनिट ले ली, ठीक, और फिर अदर क्वांटिटीज की यूनिट को हम उन्हीं यूनिट्स के टर्म में क्या करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो नहीं याद करनी पड़ती। जैसे आप जानते हैं लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकेंड होती है, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होती है इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी के हमें कोई नई यूनिट नहीं याद करनी, एग्जैक्टली नई यूनिट है, लेकिन हमें नई यूनिट बनानी नहीं पड़ी, ये लेंथ और टाइम की यूनिट में ही हमने इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो इसके लिए कुछ क्वांटिटीज को हम लोगों ने बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, उनकी यूनिट जो है वो बना दी गई, और उसके बाद में बाकी क्वांटिटीज की यूनिट को हम उन्हीं यूनिट्स के टर्म में क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जो हम लोगों ने जिनको बेस क्वांटिटी बनाया उन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक, और उसके बाद में ठीक है जो जिन क्वांटिटी की यूनिट इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मेजरमेंट के सिस्टम, पहले तीन सिस्टम जो थे वो फेमस थे मेजरमेंट के, एक कहलाता था सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, या इसी को गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता था, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं या सीजीएस सिस्टम कहते हैं, ठीक। इसमें सी का मतलब है सेंटीमीटर, इसका मतलब ग्राम, और एस का मतलब है सेकेंड, ठीक। यानी सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम था यूनिट का जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे, ठीक। उसके बाद में फिर आया एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और समय को, टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, ब्रिटिश इसी सिस्टम का यूज़ करते थे, और ब्रिटिश का जहाँ जहाँ रास्ता वो भी वहीं पर ये सिस्टम यूज़ होते थे। अपने इंडिया में भी ब्रिटिश ने कई साल तक रहे हैं, तो ये इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। उसके बाद फिर आया एक एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मीजर करते हैं, ठीक। तो ये अलग अलग यूनिट सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अब अलग अलग यूनिट सिस्टम में कहीं कोई यूनिट सिस्टम फॉलो हो रहा है, कहीं कोई यूनिट सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ कि सभी साइंटिस्टों ने एक कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट है, जिसको इंटरनेशनली ठीक एक्सेप्ट किया गया, ठीक, और उसे हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो होता है ये वास्तव में एमकेएस सिस्टम का ही एक्सपेंशन है, ठीक। एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये, लेकिन इसे बोलते हैं एसआई सिस्टम, क्योंकि जब इसको हम लोग फ्रेंच में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं, मतलब फ्रेंच में लोग इसको कहते थे, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स बोलते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग इसको जनरली जो है बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, तो बोलते हैं एसआई सिस्टम। ये वास्तव में एमकेएस सिस्टम का ही एक्सपेंशन है, ठीक। अगर हम इन शुरू के तीनों सिस्टम को देखें तो इसमें लंबाई, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम के बारे में बताया गया है। तो शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट में, लेंथ, मास और टाइम इनको फंडामेंटल
क्वांटिटीज माना गया। लेंथ की एसआई सिस्टम में यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड, और फिर अदर क्वांटिटीज की यूनिट को हम इन्हीं यूनिट्स में क्या करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। तो शुरुआत में केवल तीन यूनिट को फंडामेंटल, सॉरी तीन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया था, लेंथ, मास और टाइम को, और दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम इन्हीं क्वांटिटीज की यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे फिजिक्स का एक्सपेंशन हुआ, बहुत नई नई क्वांटिटीज खोजी गई, और नई नई क्वांटिटीज खोजे जाने के बाद में हमें इस फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में कुछ और क्वांटिटीज भी बढ़ानी पड़ी। ठीक है, अब टोटल जो है वो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज होती, और सात फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद में, ठीक है, फिर हमें कुछ और नई क्वांटिटीज की खोज हुई, उनकी यूनिट को उन केवल सात फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था, तो फिर हमें दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज बाद में जोड़नी पड़ी। तो फिर बाद में जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज जोड़ी गई उसे हम लोग सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो कुल मिला के सात फंडामेंटल क्वांटिटीज और दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक, जिनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली फिजिक्स क्या होती है, ठीक, क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक बार फिर से सुन लें, ठीक, ऐसे बोलते हैं कि वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती उन्हें लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। पर एग्जैक्टली इसका मतलब ये था कि हम लोगों ने अपने आप कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया, और उनको छोड़कर बाकी सारी क्वांटिटीज की यूनिट को इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस करने लगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो है वो याद ना करनी पड़े। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनको छोड़कर बाकी जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि उनकी जो यूनिट्स हैं वो इन्हीं की यूनिट्स के टर्म में डिराइव्ड होती हैं, ठीक है, एक्सप्रेस होती हैं, तो इसलिए इन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक, हिंदी में इसे मूल रास और इसे व्युत्पन्न रास बोलते हैं। तो अभी कितनी तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है, अगर इतना आपकी समझ में आ गया है ठीक तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्या होती हैं। तो मैंने बताया कि हम लोगों ने कुछ क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी मान लिया। कारण क्या था? कारण था कि फिजिक्स में इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं कि हम अलग अलग क्वांटिटीज़ की अलग अलग यूनिट याद करने में हमें समस्या होगी, तो इसलिए हमने कुछ क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी मान लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लिया, और बाकी क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम इन्हीं क्वांटिटीज़ की यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने बताया था अभी आपको कि सबसे पहले तीन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया, लेंथ, मास और टाइम को। ठीक, लेंथ यानी लंबाई, मास यानी द्रव्यमान और टाइम यानी समय, इन तीन राशियों को पहले मूल राशियाँ माना गया। उसके बाद फिर और कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ खोजी गई, ठीक, जिसके लिए हमें कुछ और क्वांटिटीज़ को भी बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी मानना पड़ा। वो थी टेम्परेचर यानी ताप, इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योत तीव्रता, इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को लाइट वगैरह में, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी पदार्थ की मात्रा, ठीक, इसकी ज़्यादातर ज़रूरत आपको केमिस्ट्री में पड़ेगी। ठीक, तो इन सात राशियों को मूल राशियां माना गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। हिंदी में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत, वैद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इन सात राशियों को मूल राशियां माना गया। अभी मैंने बताया था कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और एसआई सिस्टम में इन मूल राशियों के ये मूल मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करेंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर की मूल। ये सात मूल राशियाँ हैं, ये उनके साथ मूल मात्रक हैं, और ये इन यूनिट के सिंबल हैं। मीटर को हम लोग स्मॉल एम से, किलोग्राम को स्मॉल के जी से, सेकेंड को केवल एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से,
कैंडेला को सी डी से और मोल को हम लोग एम ओ एल लिख देते हैं, मात्रक पूरा एम ओ एल ही है, लेकिन जब सिंबल लिखते हैं इसका तो मोल, ये इन यूनिट के सिंबल हैं। फिर आती बात कि हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो ये सब तो आपने, मतलब इससे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये सब तो आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक, कि एक मीटर की डेफिनेशन क्या होती है, किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, एक सेकेंड की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब आपने 9-10 में पढ़ा है और बुक में आपके लिखा हुआ है, एक बार आप उसको रीड कर लीजिए, ठीक, ये सब 11-12 में नहीं पूछा जाएगा आपसे उसकी डेफिनेशन वगैरह, एक बार आप उसको रीड कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, मेन वो हमारी होगी डायमेंशन से। तो ये डायमेंशन क्या होती है, ठीक, ये जानना है हम लोगों को, तो उसके लिए याद रखिए किसी भी क्वांटिटी का की डायमेंशन लिखने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक, मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये डायमेंशनल सिंबल है। डायमेंशन क्या होती है, विमा क्या होती है, ठीक, डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, विमा। तो किसी राशि की विमा लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों का यूज़ करेंगे, तो उस समय पर हम लेंथ को एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को कुछ बुक में थीटा से, कुछ बुक में के से डिनोट किया गया है, हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में जनरली के से डिनोट करते हैं, यूपी बोर्ड हुआ, आईएससी बोर्ड हुआ, ठीक है, इसमें हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक, तो जैसा आपका बोर्ड हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हम ए लेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये डायमेंशनल सिंबल है, क्योंकि जनरली हम लोग करंट को किससे दिखाते हैं, आई से, वो करंट का सिंबल है, लेकिन डायमेंशन लिखते समय इसका सिंबल जो यूज़ करेंगे वो ए। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए हम म्यू यूज करेंगे, इसे बनाते हैं, इसे पढ़ते हैं म्यू, ठीक। और ये सारे सिंबल्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है, फिलहाल याद रखिए इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो लंबाई का प्रतीक एल, द्रव्यमान का सिंबल एम होगा, समय का टी, ताप का थीटा या के, वैद्युत धारा का ए, ज्योत तीव्रता का सी डी, और पदार्थ की मात्रा का सिंबल म्यू होगा। ये चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 7 मूल राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये एसआई सिस्टम में उनकी यूनिट हैं, मात्रक हैं, और ये उनके डायमेंशनल सिंबल हैं, विमी प्रतीक हैं, ठीक है। विमी प्रतीक क्या होते हैं, विमा लिखने के लिए जिन प्रतीकों का यूज़ करते हैं, डायमेंशन लिखने के लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे उसे डायमेंशनल सिंबल बोलेंगे, क्लियर है। अब मैंने बताया था कि इन 7 क्वांटिटी के अलावा बाद में 2 क्वांटिटी को और फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लाया गया, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री, क्योंकि बाद में जोड़ा गया तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो कौन कौन सी हैं। एक है प्लेन एंगल, यानी कोण, एंगल तो आप जानते ही क्या होता है, ठीक है, उसकी यूनिट भी आप जानते हैं रेडियन होती है, उसका सिंबल होता है आरएडी। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक, तो सॉलिड एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं घन कोण, इसे कहते हैं कोण, इसे कहते हैं घन कोण। तो 2 पूरक मूल राशियाँ हैं, कोण और घन कोण। कोण तो आप जानते हैं, एंगल आप जानते हैं, सॉलिड एंगल जिस चैप्टर में आएगा उस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आप खाली याद कर लीजिए कि कोण और घन कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 और फंडामेंटल क्वांटिटीज जोड़ी गई, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और इनकी यूनिट सक्सेसिवली रेडियन और स्टे रेडियन होती है। रेडियन का सिंबल आरएडी और स्टे रेडियन का सिंबल एसआर, क्लियर है आपको ये, ठीक। तो ये हमें समझा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये फंडामेंटल यूनिट। अब ये 7 और ये 2 टोटल कितनी होगी, 9। इन 9 क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी जितनी हैं सब डिराइव क्वांटिटीज, क्योंकि उन सब की यूनिट जो है वो इन्हीं यूनिट्स के टर्म में क्या होती है, एक्सप्रेस होती हैं। जैसे एक्सेलेरेशन की यूनिट आप क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें आया तो मीटर और सेकेंड ही ना, जो कि ये 2 फंडामेंटल यूनिट हैं, ठीक। कोई भी क्वांटिटी हो उसकी यूनिट को हम इन्हीं क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, यानी व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अब किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। वास्तव में किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करें, किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भौतिक राशि को हम केवल मूल राशियों के पदों में निरूपित करें, तो हमें उन मूल राशियों पर जो घाते लगानी पड़ती हैं, कुछ घाते हमें लगानी पड़ती हैं, उन घातों को ही हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं।
तो किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो घाते हम लगाते हैं उसी घातों को हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब किसी भौतिक राशि की विमा क्या होती है। तो किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कुछ पावर्स जो है वो लगानी पड़ती हैं। इन्हीं पावर्स को हम उस फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस बोलते हैं। तो कहते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात तो समझिए कि हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी उन सब पर हमें कुछ पावर्स लगानी पड़ती हैं। ये पावर्स ही उस फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस कहलाती हैं। क्लियर हो गया? तो हिंदी में कहते हैं किसी भौतिक राशि की विमा को व्यक्त करने के लिए, सॉरी, किसी भौतिक राशि की को व्यक्त करने के लिए मूल मात्र को मूल राशियों के पदों में हमें मूल राशियों पर कुछ घाते लगानी पड़ती हैं। इन्हीं घातों को हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर्स हम लगाते हैं उन पावर्स को ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग ले लें एरिया। अब एरिया का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। अब लेंथ का सिंबल मैंने बताया था क्या होता है, एल, और जो चौड़ाई होती ब्रीथ इसको भी यहां सिंबल में हम क्या लिखेंगे, एल, क्योंकि इस चैप्टर में फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लेंथ बोली है। लेंथ का मतलब वो सारी क्वांटिटी जिसको मीटर में मेजर करेंगे। अब वो लेंथ यानी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, डिस्टेंस हो, किसी सर्किल की सरकमफेंस हो, रेडियस हो, इन सबको मीटर में मेजर करते हैं। तो उन सबको जिसको मीटर में मेजर करेंगे उसको हम लोग लेंथ ही मानेंगे। ठीक, तो एल इंटू एल ये हो गया एल स्क्वायर, जिसका मतलब ये हुआ कि एरिया को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करने गए तो देखिए एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी लग रही है और वो है लेंथ, लेकिन उसके ऊपर पावर हमें 2 लगानी पड़ी। तो जो 2 लगी है पावर यही एरिया की डायमेंशन कहलाएगी। हम कहेंगे एरिया की जो डायमेंशन है वो लेंथ के लिए क्या है, 2 है। द डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। क्लियर हो गया? अच्छा, वॉल्यूम या स्पीड देख लेते हैं। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, एल लेंथ, टाइम खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये आ गया एल टी टू दी पावर माइनस वन। एल टी टू दी पावर माइनस वन, या कुछ लोग इसको एल टी माइनस वन भी पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो जब हमने स्पीड को केवल फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया, देखिए अब स्पीड में स्पीड इक्वल टू इसके और इसमें केवल फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम। तो जब हमने स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, लेंथ की और टाइम की। और उसके लिए लेंथ पर पावर हमें 1 लगानी पड़ी, आप जानते हैं कोई पावर नहीं इसका मतलब पावर 1 है, और टाइम पर माइनस 1 लगानी पड़ी। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि स्पीड की जो डायमेंशन है, चाल की विमा लंबाई के लिए 1 और समय के लिए माइनस 1 है। चाल की विमा लंबाई के लिए 1 और समय के लिए माइनस 1 है। द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड माइनस 1 इन टाइम। क्लियर है? तो ये डायमेंशन होती है। ठीक है, ये जो यहां पर पावर हमने लगाई हुई है 1 और माइनस 1, ये डायमेंशन है। और डायमेंशन लिखने के लिए जो एक लिखा हुआ है ये, इसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो है इसे हम लोग विमी सूत्र या विमी समीकरण कहते हैं। और इस पे जो पावर्स दिखाई दे रही हैं ये डायमेंशन है। लेकिन अभी हमसे कोई कहता है कि स्पीड की डायमेंशन लिखो तो हम यहीं तक लिख देते हैं क्योंकि इसके अंदर डायमेंशन दिखाई दे रही है, तो हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। तो कॉमनली लोग डायमेंशनल फार्मूला को ही डायमेंशन बोलने लगे कि ये एल टी टू पावर माइनस वन ये क्या है, ये स्पीड की डायमेंशन है। जबकि ये है कि ये स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन उसके अंदर दिखाई दे रही है कि स्पीड की डायमेंशन लेंथ के लिए 1 और टाइम के लिए माइनस 1 है।
लेकिन कॉमनली लोग इसी को डायमेंशन बोलने लगे, हम भी ऐसे ही कॉमनली इसको डायमेंशन ही बोल लेते हैं। ठीक, तो मोटे तौर पर हम ये समझ गए कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन बस केवल किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप पाएंगे उस फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में जो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई हैं उन सब पर कुछ पावर लगी है। ये जो पावर्स होती है यही उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कहलाती हैं। क्लियर हो गया? तो रीमा क्या होती है ये हम लोग जान गए। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में लिखने के लिए मूल राशियों पर जो घाते हम लगाते हैं उन्हीं घातों को हम लोग रीमा कहते हैं। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम आपको कई क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखाएंगे। आपको डायमेंशनल फार्मूला ये जो होता है इसको निकालने की प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में आगे कुछ तभी हो पाएगा क्योंकि इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशनल मेथड के क्या एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक, अभी आप जितना मैंने आपको पढ़ाया है इतने को तैयार करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। और तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए और अपने घर में अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।